वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सलवार के बेल्ट और पलेटे डालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग हमने ये बेल्ट ले लिया है। हमारे बेल्ट की लंबाई 26 है, यानी इसकी डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने, तो इसकी डबल फोल्ड है 26 लेंथ है और 9.5 इसकी चौड़ाई है। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसकी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसकी बेल्ट किस प्रकार लगाएंगे सलवार में। अगर देखिए कम ज़्यादा है तो आप इस प्रकार ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया हुआ है, ये कम था कपड़ा, तो इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें सेंटर पॉइंट से यहाँ से निशान लगाएंगे। आप इसमें कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें ध्यान रहेगा जब हम पलेटे डालेंगे तब ये सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें से यहाँ हमने सेंटर पर निशान लगा लिया है यहाँ पर, और अब हम इसमें पलेटे डालेंगे। जैसे नॉर्मली हम सलवार में हमारी कलियां जोड़ ली है मैंने, जैसे ये कलियां मैंने जोड़ ली है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ इसको। जैसे ये मैंने पूरे में ये जो फ्रंट पार्ट होते हैं ये ज्वाइंट कर लिया है, ऐसे आप ज्वाइंट कर लीजिए। और ज्वाइंट करने के बाद एक तरफ से आप खुला रखना है। ये देखिए यहाँ से हम पलेटे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बेल्ट है वो सीधी साइड में रखना है। जैसे हमें सीधी साइड में दिखना चाहिए हमारा बेल्ट, ये सीधी साइड है, और जो हम प्लेट डालेंगे इनकी कलियों की, और ये हमारा उल्टी साइड होना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि हम इस दोनों पार्ट्स को इस प्रकार पकड़ेंगे, और यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पे सीधी सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए इसकी, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से अंदाजन आप 2 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे, और सीधी सिलाई लगाने के बाद आपकी पलेटें एक समान आए उसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। जैसे मैं आपको स्केल से पलेटें डालना बताऊंगी, आप चाहें तो जैसे कंघी से भी डाल सकते हैं। इससे क्या है, एक समान हमारी पलेटें आएंगी बिल्कुल। तो जैसे मैं इससे स्केल से, जैसे बच्चों का जो छोटा स्केल होता है वो वाला मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मोटी पलेटें डालने से सलवार का जो घेर होता है वो अच्छे से नहीं दिखता है, और नहीं पीछे से अच्छे से दिखते हैं। तो इसलिए मैं इसमें इसकी मदद से मैं एक समान इतनी ही साइज की प्लेटें डालूंगी। ये देखिए 2 इंच तक हम लगाने के बाद, और स्केल की मदद से हम देखिए एक प्लेट हम हाथ से डाल ली है। उसके बाद हम अब स्केल की मदद से एक समान प्लेटें डालेंगे। और स्केल को कैसे लगाना है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, कंघी या स्पून कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जैसे ये मेरा स्केल है, तो इसको हम नीचे की साइड में रखेंगे, और इसको हम थोड़ा नीचे वाले को टाइट रखेंगे, और इसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे, और ऐसे उंगली की मदद से इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए, तो यानी ये हमारी एक समान प्लेटें आएंगी। इसको फिर हम निकाल देंगे, और इसको अच्छे से सेट करके, ये देखिए इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगाएंगे। एक बार फिर दिखाती हूँ मैं आपको, स्केल को नीचे लगाना है, क्योंकि प्लेटें स्केल को हम नीचे लगाएंगे, और फिर इसको उंगली की सहायता से इस प्रकार रखेंगे, और फिर यहाँ इसको निकाल के हम इस पर सिलाई लगाएंगे। एक बार मैं और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सारी प्लेटें हमारी एक समान आएंगी। तो मैं एक बार और दिखाती हूँ, ये देखिए स्केल को हम इस प्रकार लगाएंगे, यानी नीचे की तरफ, और जो स्केल है हमारा उसको एक बार हम उंगली की मदद से इस प्रकार करेंगे। ये देखिए ये स्केल है हमारा, और यहाँ तक, जैसे स्केल ये वाला है, यहाँ तक हम ले जाएंगे इस प्लेट को, और उंगली की सहायता से इसको हम इस प्रकार कर देंगे ऐसे। तो और इसको फिर हम यहाँ से हम निकाल लेंगे, और फिर इसको हम यहाँ से सेट करते हुए, यही प्रोसेस रहेगी पूरी प्लेटों में हमारी। स्केल को हम यहाँ लगाएंगे, और लगाने के बाद ये देखिए, क्योंकि इससे हमें अंदाज हो जाता है, क्योंकि उंगली हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक हमें जो स्केल है यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। तो ये इसको हम ऐसे करेंगे, और फिर इसको दबा के, और इसको हम इस प्रकार निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी प्लेटें हमारी एक समान आएंगी, और पूरी प्लेटों में हमारी यही प्रोसेस रहेगी, जैसे मैं स्केल की मदद से ही इसमें प्लेटें डालूंगी। हमने ये स्केल की मदद से मैंने ये सारी प्लेटें डाल दी हैं, और प्लेटें कितनी दूरी में डालनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेटें जैसे ये हमें 2 इंच छोड़ने के बाद 8 या 9 इंच की दूरी में हमारी प्लेटें होनी चाहिए। आप 8 इंच में डाल सकते हैं, और ज़्यादा में डालना चाहें तो आप 9 इंच में। अगर जिसकी जैसे ये बेल्ट ज़्यादा है, जिसकी
हिप्स ज़्यादा हैं तो आप 9 या 9.5 इंच में भी प्लेटेड डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये 9 इंच में प्लेटेड डाली हैं, ये 2 इंच छोड़ने के बाद, यहाँ से 2 इंच मैंने छोड़ने के बाद 9 इंच पे मैंने ये प्लेटेड डाली हैं। इसी प्रकार मैं आपको इसी एक समान प्लेटें आई तो इसके लिए मैं आपको दूसरी ट्रिक और बताऊंगी, जो इस दूसरी साइड में हम प्लेटें डालेंगे उसके लिए मैं अभी आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगी। तो उसके लिए हम इधर से पहले यहाँ से सिलाई करेंगे। प्लेटें डालने के लिए आप जैसे निशान भी लगा सकते हैं, जैसे 8 या 9 इंच पे, और फिर बाद में जैसे ये हमारा बाद में सेंटर जो पॉइंट आएगा जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। सीधी यहाँ तक हमें कोई प्लेट्स नहीं डालनी है, बाकी फिर सीधी सिलाई करना है। ये देखिए जो हमने निशान लगाया था, जो सेंटर पॉइंट था हमारा जो बेल्ट का, ये बीच का है, यहाँ पे यहाँ तक मैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इन दोनों को यहाँ पे इस प्रकार से हम ज्वाइंट करेंगे। ये सेंटर पॉइंट बेल्ट का और इसका भी सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे हम 2 प्लेटें डालेंगे छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी है। आप बड़ी डालें तो एक भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 प्लेटें बनाऊंगी, ये हमारे पीछे का होगा, प्लेटें डाल दी हैं, और इस साइड में भी ये जो सेंटर पॉइंट है इस साइड में भी हम 2 प्लेट्स ही डालेंगे। बाद अब हम इसकी सीधी सिलाई लगाने के बाद, यहाँ से हम सिलाई लगा ली है, उसके बाद जैसे मैंने ये 3-4 प्लेटें डाल भी दी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्केल की मदद या कंघी या स्पून किसी की मदद से भी जैसे प्लेटें डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि प्लेटें डालने का बहुत ही इजी तरीका है, वो किस प्रकार डालें। जैसे हमारा ये लास्ट जैसे दूसरी तरफ का छोर बच गया है जहाँ प्लेटें डालनी है, तो अब इसके इस दूरी के अंदर हम ये सारा जो घेरा है उसकी हम प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें जैसे मैंने एक तो स्केल की मदद से बताया है, और दूसरा ट्रिक क्या है, जैसे आप जैसे ये प्लेट है मेरी, तो आप अंदाजन से जैसे ये मैंने इनकी गैप रखा है, ये देखिए एक उंगली जितना मैंने गैप रखा है इसमें, तो आप ऊपर की साइड में ऐसे देखते हुए जैसे यूं एक, और इसको है ना आप इतना ही, जैसे ये मेरे को ये आइडिया है, जैसे ये प्लेट मैंने इतनी चौड़ी डाली है तो उसके हिसाब से मैं इतनी ही चौड़ी इसकी इसका कपड़ा लेके जैसे ऐसे ये जैसे ऐसे ले देखने के बाद, और इसका गैप हम इनके हिसाब से डालेंगे। जैसे ये मैंने 1/2 इंच का सभी प्लेटों में गैप रखा है, तो आप अंदाजे से जैसे इसमें 1/2 इंच का ऊपर से गैप दिखा दीजिए और नीचे से भी आप एक समान ले लेंगे तो प्लेटें हमारी एक समान आएंगी। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है इसमें ऐसे प्लेटें बनाना भी, क्योंकि उसमें आपको किसी स्केल की सहायता से डालेंगे या आप कोई भी चीज़ से प्लेटें डालेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आप ऐसे अंदाज से डालेंगे जैसे मैंने ये मेरी 2 उंगली हैं इनके हिसाब से आप प्लेटें डालेंगे, और यहाँ का गैप आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखा है, तो हम इस प्रकार से ये प्लेटें डाल सकते हैं। जैसे सभी में हम 1/2 इंच का ही रखेंगे, और ये पूरी प्रोसेस जो ये कपड़ा है इसके अंदर या इधर से मैं 2 इंच छोड़ दूंगी, और इतनी दूरी के अंदर ये जितना भी घेरा हमारा बचता है उसकी सारी प्लेटें हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। ये देखिए इस प्रकार आप इसकी एक समान प्लेटें आएंगी, अगर आप इस प्रकार डालेंगे तो भी, अगर आप इस प्रकार नहीं डाल सकते तो आप कोई भी चीज़ से भी डाल सकते हैं, जैसे इसके कंघी या को जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी प्लेटें डाल ली हैं, डालने के बाद देखिए कितनी सुंदर हमारी प्लेटें आई हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर की साइड में एक सिलाई और लगाएंगे। प्लेटें डालने के बाद हम इसके इन प्लेटों के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इसके ऊपर से मैंने एक सिलाई, इसके ऊपर से पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हम इसका आसन ज्वाइंट करेंगे यहाँ से। ये देखिए हम ये आसन, और यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम नाड़ा डालने के लिए बनाएंगे उसके लिए हम 2 इंच के करीब, ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से 1.5 या 2 इंच के अंदर आप यहाँ से इतना ही रखेंगे हम,
और फिर वापस हम एक बार इसको यहाँ से मोड़ देंगे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ से देखिए जो हमने यहाँ से ये खुला छोड़ा था, यहाँ से हम आसन बनाएंगे यानी जो नाड़ा डालते हैं उसका बनाएंगे। और इसको हम किस प्रकार फोल्ड करेंगे, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से फिर हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम इस प्रकार लेके आएंगे। इसके बाद हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए बनाया था, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे एक बार ये थोड़ा सा करने के बाद, और फिर हम इसको इतना और फोल्ड करेंगे और यहाँ से फिर हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और इसको हम एक समान ही फोल्ड करेंगे, जैसे इतना सा ही हमने लिया था तो इसको हम एकदम बराबर करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से आएगा, ये पूरा जो हमारा बेल्ट है इसके ऊपर से हम इस प्रकार इसको हम मोड़ लेंगे यानी फोल्ड कर लेंगे हम इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम ऐसे जैसे बराबर मोड़ते हुए, जैसे ये है इतनी दूरी में इसको करके और इसके बराबर ही हम इसको पकड़ेंगे और ये हम इसकी सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर से हम दो बार सिलाई लगाएंगे, मतलब यहाँ यहाँ से, ताकि ये यहाँ से खुले ना, पूरे में यहाँ तक और यहाँ तक लेके आएंगे। और एक बार इसको आप वापस और घुमा दीजिए इस प्रकार, ताकि ये मजबूत हो जाए अच्छे से। ये देखिए इसके बाद ये अच्छे से मजबूत हो गया है। इस प्रकार ये हमारा नेफा बनके रेडी है और इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्लेटें कैसे डालते हैं, प्लेटें कैसे डालते हैं और ऊपर आसन किस प्रकार बनाते हैं वो मैंने सारा इसमें बताया है। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर कहीं आपको समझने में फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू सिद्धा।